हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट व्लॉग. यू कैन से दैट फर्स्ट रोड ट्रिप, नॉट द फर्स्ट, पहला तो नहीं है, बहुत हो चुके हैं, बट ये पहला है जो हम शूट करने वाले हैं. तो हम समवेयर अराउंड 3,500 से 4,000 किलोमीटर ड्राइव करने वाले हैं. सो हियर्स द रूट चार्ट. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई टू वी विल गो टू विजयवाड़ा, देन विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम वी हैव अ इवेंट दैट आई लेट यू नो बाय टुमारो. देन फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अरकू वैली, देन अरकू वैली टू जगदलपुर, जगदलपुर टू कोंडागांव, देन रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ कवर करते हुए फिर हम लोग जाएंगे वहां से अलाहाबाद. अलाहाबाद से वी विल गो टू रायबरेली, रायबरेली टू लखनऊ, देन आगरा, देन नोएडा, देन देहरादून. सो दिस इज व्हाट द रूट चार्ट इज, एंड ये हम कवर करने वाले हैं 7 से 8 दिन में. सो अभी हम जस्ट समवेयर अराउंड 3:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और हमने अभी स्टार्ट किया है जस्ट यहाँ से ड्राइव. यहाँ से विशाखापट्टनम इज 814 किलोमीटर. सो इट इज शोइंग अराउंड 15 आवर्स इन GPS. सो लेट्स सी हमको कितना टाइम लगता है पहुँचने का. सो आई जस्ट शो यू सम footage of the roads as well. So right now I'm in city. So let's cross this traffic, क्योंकि बहुत ज़्यादा traffic है city में. Chennai is basically known for 3 major things. One is people used to call it capital of mosquitoes. बहुत ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पे. Second, of course, जब भी थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है पानी जम जाता है, तो drainage system उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है यहाँ का. But yes, third and the most beautiful thing is the beaches of Chennai. So I was here for a couple of months. So now I am driving back to Dehradun. So we'll drive together and we'll just live this journey together. सरोना स्टोर देख रहे हैं आप लोग चेन्नई का. आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं, चेन्नई में ना यहाँ पे आपको ज्यादा शॉपिंग मॉल्स या ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे लोकल आपको ज्यादा मिलेंगे. सरोना स्टोर करके यहाँ पे 4-5 आउटलेट है. मैं दो पे गया भी था. अंदर आपको पूरा मॉल वाली फीलिंग आएगी, सारे ब्रांड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, कपड़े वगैरह सब मिलेंगे, बट वो उन ब्रांड्स के नहीं मिलेंगे, इधर के लोकल मिलेंगे सारे के सारे. सो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है कि यहाँ के लोग यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं. इट्स गुड कि वो करते हैं, बट अगर कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, उसको अगर कुछ एग्जैक्टली चाहिए तो उसके लिए बहुत फाइट करना पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे एक ये माइक चाहिए था, तो इसके लिए मुझे कम से कम 10 से 15 दुकानें घूमनी पड़ी, तब जाके मिला. दैट टू 1500 का, अगर 1500 का माइक है तो 5000 बेचेंगे. और यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अगर जितने का दे रहे हैं उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, आपको लेना है तो लो वरना जाओ. एंड यहाँ पे ये सेम चीज़ ओला के साथ भी, अगर आप यहाँ पे कभी आ रहे कैब वगैरह बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कैब बुक की 200 रुपये की, तो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि 200 की जगह मैं 400 रुपये लूँगा, अगर आपको चलना है तो चलो वरना आप कैब कैंसिल कर दीजिए. अगर सेम अगर आप मान लीजिए ओयो का ऐप यूज़ करते हैं, गो आई वो इज ओके, बट अगर आप ओयो से यूज़ करते हैं, ओयो से अगर आप कोई भी ओयो के होम स्टे वगैरह बुक करते हैं, तो लेट से अगर आपने 2000 रुपये का बुक किया, तो वहाँ आप जैसे ही जाएंगे वो बोलेंगे आप बुकिंग कैंसिल कीजिए, 2500 रुपये पे कीजिए, उसके बाद आप रहिए, आप कंप्लेन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये थोड़ा सा मोनोपोली है यहाँ पे होटल्स में और कैब्स में बेसिकली. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज़ नॉट गुड अबाउट दिस सिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए, विच आई फील. आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा. रोड के दोनों साइड दिख रहे हैं पूरा भरा हुआ है. एक्चुअल में ये लेक नहीं है, ये पूरा जो बारिश का पानी था उस दिन देखिए वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स दिख रहे होंगे, वो सारे डूब गए हैं. तो ये थोड़ा सा बैक वाटर एरिया इन्होंने बना कर रखा, जहाँ पे एटलीस्ट जब पानी ज़्यादा हो जाता सिटी में उसको फ्लोट करके इधर ये भेज सकते, फिर बाद में इसको ये सी से कनेक्ट कर देते हैं. सी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, गुड की थोड़ा सा मैनेजमेंट का सिस्टम तो बनाया हुआ है. आफ्टर 30 किलोमीटर्स इन 1.5 आवर, 1.5 घंटे लग गए 30 किलोमीटर चलाने में. अब हम थोड़ा सिटी से बाहर आ गए हैं, और आई गेस ये एक पहला टोल प्लाजा आ रहा है, इसके बाद हम सिटी से एग्जिट कर जाएंगे. ऊपर जो आपको सामने हाईवे दिख रहा है, दैट इज कनेक्टिंग टू बैंगलोर एंड हैदराबाद एज वेल. सो दैट इज अ सेपरेट रोड. हमको विशाखापट्टनम जाना है तो हमको स्ट्रेट निकलना है. सामने अभी टोल प्लाजा आने वाला, उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक शायद कम हो जाए, बिकॉज सिटी तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है बहुत ज्यादा. लेकिन हमको कुछ खाने के लिए भी रोकना है फिर कहीं पे, बिकॉज भूख भी लग रही है थोड़ी सी, और हमें सिटी में खाना खाना नहीं था, बिकॉज हम चेन्नई का खाना खा के थोड़ा सा बोर हो गए थे, बिकॉज वो साउथ इंडियन फ्लेवर, वो रसम मीठी वाली,
को वो सब कुछ थोड़ा सा खाना नहीं था, तो हमने ये सोचा कि जैसे बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद अपने को जो भी ढाबा मिलेगा नॉर्थ इंडियन वाला मस्त, कोई पंजाबी ढाबा हो या कोई राजस्थानी ढाबा हो या कोई बिहारी ढाबा हो इस टाइप का, उस पर बैठ के कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव है और हम कोशिश यही करेंगे कि रात तक कम से कम 2-3 बजे तक तो चलाएं ही, वाइजैक पहुंचने के थोड़ा पहले रुक जाएं भले, या फिर सीधा वाइजैक पहुंच के रुक जाएं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बोल आया था बस मुझे अपना फास्टैग भी रिचार्ज करना पड़ेगा, ये तो निकल जाएगा, इसके बाद आगे जहां रुकेंगे वहां पे करते हैं। तो मैंने फास्टैग भी कैलकुलेट किया था, यहां से देहरादून तक में टोटल फास्टैग का अमाउंट आ रहा है समवेयर अराउंड 6,000 रुपीज, जिसमें अराउंड 1,000 रुपए के आसपास तो एक्सप्रेस वे के ही लग जाते हैं, जो लखनऊ से आगरा और आगरा से उधर मेरठ वाला है। सो वो तो आप लोग को पता होगा, आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, बिकॉज वो पहला एक्सप्रेस वे था हमारे देश का। अब तो इधर तमिलनाडु की रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं, इससे थोड़े दिन पहले मैं यहाँ से कन्याकुमारी भी गया था। सो कन्याकुमारी रोड्स वर वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग कन्याकुमारी जाए। अगर तमिलनाडु में कुछ प्लेसेस आपको घूमनी है तो घूमने के लिए आपको कोयम्बटूर अच्छा है, कोयम्बटूर जा सकते हैं आप, वहाँ से इधर आप कन्याकुमारी जा सकते हैं, कन्याकुमारी अच्छा है। अगर आपको टेम्पल्स वगैरह जाने हैं तो आप फिर रामेश्वरम जा सकते हैं, रामेश्वरम टेम्पल जा सकते हैं, वहाँ से आप धनुषकोडी और श्रीलंका वाला जो पूरा बॉर्डर लाइन एरिया है वो आप कवर कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हिंद महासागर और अरेबियन सी भी एक साथ मिलते हैं, सो देयर इज अ जॉइंट। मदुरई आप जा सकते हैं, रामेश्वरम में आप रामेश्वरम टेम्पल कर सकते हैं, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर लॉर्ड मीनाक्षी और भगवान शंकर की शादी हुई थी, सो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो टेम्पल्स बहुत अच्छे हैं तमिलनाडु में, अपार्ट फ्रॉम बीच, अगर बीचेस की बात करूँ तो ऑफकोर्स बीचेस भी हैं, चेन्नई के बीचेस हैं, बट बेस्ट टाइम इधर आने का अगर आप बोलोगे तो वो है नवंबर एंड दिसंबर ओनली, जब थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा सा वेदर ठीक ठाक होता है। जब नॉर्थ में हमारे साइड ठंडी होती है तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती है, बाकी टाइम अगर आप आएंगे तो आप सिर्फ शाम को निकल पाएंगे, दैट टू आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिड लगेगा, गर्मी 2400 घंटे रहती है। सो अगर आपको इधर घूमने आना है तो आप ट्राई कीजिए कि नवंबर या दिसंबर में प्लान बनाए। भी और हम चेन्नई सिटी पूरी क्रॉस कर चुके हैं, हाईवे पे हैं और थोड़ी सी पाम ट्रीज वाली पानी वाली ब्यूटी दिख रही है, थोड़ा सा कचरा भी था पीछे जो डंप यार्ड था चेन्नई का, वो छोड़ के हम निकल चुके हैं आगे। और विजयवाड़ा यहाँ से 402 किलोमीटर दिखा रहा था लास्ट जो मैंने देखा था। लेट्स सी कि विजयवाड़ा कब तक पहुँचते हैं। तो जब तक विजयवाड़ा पहुँचते हैं मैं आप लोग को थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि हमने ट्रिप प्लान कैसे की बेसिकली। तो जब मैं चेन्नई आया था तब मैं बेसिकली ये था कि मुझे कितनी जल्दी चेन्नई पहुँचना है, तो मैंने स्ट्रेट अवे ड्राइव किया था वहाँ से। मैंने देहरादून से मैं एक स्टॉप लिया था मथुरा, बिकॉज मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड है जीएलए यूनिवर्सिटी में, जो डायरेक्टर है, नेम इज डॉक्टर अशोक बंसाली, सो उनके साथ था एक दिन। एंड उसके बाद फिर वहाँ से जिस दिन मैं निकला था स्ट्रेट अवे सागर में लंच किया था, सागर में मेरी दीदी रहती है एमपी में, वहाँ से आई केम टू नागपुर, नागपुर में स्टे किया हमने। फिर सुबह नागपुर से निकले तो हम गए खम्भम, बीच में एक नेशनल पार्क भी आया था, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट वहाँ हमने थोड़े हिरन और बाकी कुछ छोटे मोटे जानवर वगैरह देखे थे, कुछ लेपर्ड वगैरह तो नहीं दिखा, हम सोच के यही गए थे कि कुछ लेपर्ड वगैरह भी दिखेगा। और वहाँ पे खम्भम में फिर अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, और यू कैन से मेरे एक्स बॉस हैं एक श्रीनिवास पुट्टा करके, सो ही इज डायरेक्टर इन श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट देयर, तो उनके साथ मिले, वी हैड गुड टाइम्स देयर। उसके बाद अगले दिन तीसरे दिन मैं सीधा पहुँच गया था चेन्नई ड्राइव करके खम्भम से वाया विजयवाड़ा। तो ऐसे में आया था, उस समय कुछ शूट वगैरह का प्लान नहीं था, बट उसके बाद इतना लंबा ट्रैवल हुआ, आई बीन टू केरला में बाय रोड एक्सप्लोर किया, ट्रिवेंड्रम, कोची, पलक्कड़, अलप्पी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन केरला जहाँ आपको बोट हाउस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो केरला के लिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा इस ट्रिप के खत्म होने के बाद, लाइव तो शूट नहीं कर पाऊंगा बट जो पुराने फुटेजेस हैं उनके साथ में आपको एक पूरी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बना के दूंगा केरला के लिए, सो वेट फॉर देट। सो वहाँ से थॉट आया कि भाई जब इतना ट्रैवल करना है तो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस एज वेल, कि हमारा जो एक्सपीरियंस है हम शेयर करते हैं। और टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरी गाड़ी भी ऐसी है कि अभी तक साथ तो दे रही है, तो इसको पिछले 2 साल से मैंने अराउंड 91,000 किलोमीटर चला दिया है,
दो साल पहले मैंने ये ली थी, जब XUV500 बंद होने वाली थी उस टाइम पे मैंने ये गाड़ी परचेस की थी। सो राइट नाउ गोइंग गुड, एंड अभी फिलहाल इसी गाड़ी से मुझे अगला कवर करने का भी प्लान है। और अभी प्लान ये है कि यहाँ से देहरादून पहुँचने के बाद एक दो दिन रेस्ट लेके देन अगेन वी विल बी प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, अ शॉर्ट ट्रिप, 3 दिन का करेंगे न्यू ईयर के टाइम में। तो आप लोगों को पहाड़ों का न्यू ईयर भी दिखाएंगे। सो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मे बी वी कैन गो टू चोपटा, देयर आर 3-4 लोकेशंस इन उत्तराखंड। एक चोपटा है जहाँ पे स्नो ट्रैकिंग बहुत फेमस है, तुंगनाथ टेम्पल वहाँ पे वो बहुत फेमस है। मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है प्लेसेस के बारे में। एक हर्षिल है और एक है भीमताल, तो तीनों में से एक हमको डिसाइड करना है। सो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं 25th से पहले पहले कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ जा सकते हैं। सो वो प्लान करेंगे इसके बाद। फिलहाल अभी का तो यही प्लान है, अब देखते हैं आगे चल के हमको कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक गाड़ी चला पाते हैं। बिकॉज अगर नींद आने लगी तो मे भी हमको कहीं सोने का प्लान करना पड़े, कोई होटल देखना पड़े। अगर होटल नहीं मिलता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम गाड़ी में आराम से सो सकते हैं। सो वी हैव स्लीपिंग बैग्स विद अस, पिलोस वगैरह सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ पूरी पैक्ड है गाड़ी। खाने का भी हमने हल्का फुल्का अरेंजमेंट रखा हुआ है, कप नूडल्स वगैरह, गर्म पानी वगैरह ये सब कुछ है। सो हम पूरे रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, बट लेट्स सी आगे जर्नी कैसी रहती है। हम तमिलनाडु से बाहर निकल गए हैं, वी जस्ट क्रॉस्ड आंध्र प्रदेश बॉर्डर। वेलकम टू आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा बोर्ड था, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, आगे देखते हैं, आगे दिखाते हैं। बट हाँ, आप धीरे से हमें AP नंबर वाली गाड़ियां भी दिखनी शुरू हो गई हैं, और जो प्रॉब्लम थी तमिलनाडु में वो भी खत्म हो गई है। हमको यहाँ पंजाबी ढाबा, बिहारी ढाबा ये सब जो हम प्लान कर रहे थे वो सब दिखना शुरू हो गया है। ये हमारा लास्ट चेक पोस्ट है, आई गेस वो पुलिस वाला कुछ बोल रहा था, चेक करते हैं एक बार। तगड़ी सिक्योरिटी यहाँ तो आंध्र बॉर्डर है। पता नहीं वो चेक करना क्या चाह रहे थे, बिकॉज आई गेस लिकर वगैरह का तो इशू है नहीं क्योंकि दोनों स्टेट्स में मिलता है। इसके अलावा और भी कोई इशू होना नहीं चाहिए, बट वो चेक क्या करते समझ में नहीं आया। भाई ने पूरा बैग तक खुलवा लिया चेक करवाने के लिए, कपड़े तक देख लिए। सो अच्छा है सिक्योरिटी पर्पज से, बट इतनी ज्यादा चेकिंग की हो रही है ये समझ में नहीं आया। और इतनी ज्यादा चेकिंग हर गाड़ी की हो रही है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारी गाड़ी है, बस वो आंध्रा नंबर की जो गाड़ियां उनको जाने दे रहे हैं, बाकी जो दूसरे नंबर की गाड़ियां हैं उनको सबको रोक के चेक कर रहे हैं। सो आप लोग कभी इस साइड अगर इस बॉर्डर क्रॉस करें तो बी प्रिपेयर्ड, कुछ ऐसा वैसा सामान ना लाए जिससे आपको ये पकड़े। वैसे बहुत कोऑपरेटिव थे पुलिस वाले, सो वॉज गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आंध्रा आ ही गए हैं, थोड़ा सा आंध्रा का फूड भी हल्का स्पाइसी होता है तो हमको राजस्थान टाइप का फ्लेवर मिल जाएगा। सो कहीं रुक के अब हल्का सा कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज रात हो जाएगी तो फिर रात में थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, ड्राइव भी इजी होगा। अभी तो ट्रैफिक भी है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वैसे भी GPS यही दिखा रहा है कि हम सुबह 6:30 बजे पहुंचेंगे वाइजैक, अभी भी 750 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है। सो लेट्स सी। सो अभी हम लोग जैसे ही आंध्रा घुसे हैं, आंध्रा में एंटर किए हैं, आंध्रा घुसने के बाद जो पहला राइट आया है दिस इज गोइंग टू श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ से सारी मिसाइल्स वगैरह, स्पेस क्राफ्ट वगैरह लॉन्च होते हैं, और यही वो प्लेस है जहाँ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पहला रॉकेट इंडिया का उड़ाया था। यहाँ से हार्डली कुछ 10-15 किलोमीटर है, ये टूवर्ड्स नेल्लोर चल रहे हैं हम फ्रॉम चेन्नई, तो उस बीच में आता है। एंड दो मेजर डिफरेंस मेरे को दिखे आंध्रा से, आंध्रा में एंटर करने के बाद, एक तो सड़कें थोड़ी बेटर है आंध्रा की एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, बट वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें वहां की बेटर थी। बट अभी जब फ्लड आया तो फ्लड आने के बाद थोड़ा सा सड़कों में प्रॉब्लम हो गई, पानी भरा हुआ था, इस वजह से थोड़ी सी खराब हो गई है। तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उनकी रिपेयर कर लेगी। एंड सेकेंड थिंग इज ग्रीनरी, ग्रीनरी यहाँ की बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ग्रीनरी जो है, आपको ग्रीनरी बहुत प्यारी मिलेगी यहाँ पे रोड्स पे। सो ये एक डिफरेंस, और शायद टेम्परेचर वाइज भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है जितना मैंने सुना है या देखा है।
मैं आंध्रा पहले भी एक दो बार आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आंध्रा पहली बार आया हूँ। टेम्परेचर का भी डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा ह्यूमिड भी कम है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी कम है वहाँ पे ज्यादा है तमिलनाडु में। ह्यूमिडिटी गर्मी भी थोड़ी सी कम पड़ती है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, सो वेदर थोड़ा सा अच्छा रहता है यहाँ पे। एंड दूसरा ये है कि आपको तमिलनाडु में, सॉरी तीसरा पॉइंट है, तमिलनाडु में आपको ये मिलेगा कि लोग हिंदी कम प्रेफर करते हैं, मतलब सामने वाले को अगर पता चल गया कि आप हिंदी बोलते हैं तो उसको हिंदी आती है तो भी वो तमिल में ही बात करेगा, वो इंग्लिश में भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो लैंग्वेज है रीजनल वो तेलुगु है, और तेलुगु लोग को अगर हिंदी आती है तो आपसे हिंदी में बात कर लेते हैं, या थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा जो हिंदी होता है उस पर ही बात कर लेते हैं, या इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर नहीं है, बट तमिलनाडु में हाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। सो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। हर स्टेट में हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंट होता है, फूड डिफरेंट होगा, लैंग्वेज डिफरेंट होगा। हाँ, बट मुझे थोड़ा सा आंध्र बेटर लगता है एज कम्पेयर टू। ड्राइव करने के बाद हमको ये एक रेस्टोरेंट मिला है, इसका नाम है किनेरा 45। लेट्स सी खाना कैसा मिलता है। वैसे दिख तो इडली डोसा ही रहा है, देखते हैं कुछ और मिलता है इसके अलावा। हमारा आज खाने का मन था चावल दाल, अगर चावल दाल मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि क्या मिलता है। बाहर से थोड़ा बड़ा सा फूड जॉइंट टाइप लग रहा है, जैसा हमारे यूपी के एक्सप्रेस वे में होता है। चलिए चल के देखते हैं, गाड़ी की कीस ले लेते हैं। ठीक है, चावल दाल मिल जाएगा अभी नहीं मिलेगा, कुछ खा लिया है, कुछ ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं यहाँ पे, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड वेज बिरयानी विच कॉस्टेड अस अराउंड 202 रुपीज, 202 रुपए का था। हमने उतने में एक ही वेज बिरयानी में, हम दो लोग थे, हम दोनों ने शेयर कर लिया, बिकॉज हमको ज्यादा नहीं खाना था, हमको नींद ना आए इसलिए ड्राइव करना है आगे लंबा। So let's go, चलते हैं अब। Next stop I guess we'll take in विजयवाड़ा। और चलने के बाद हम वापस से यहाँ पे रुके थे। इस प्लेस से ढाबा है, संजारी ढाबा, चाय पीते हैं थोड़ा सा, थोड़ी नींद भी आ रही थी। और बैक पेन भी एक बार मैंने क्या किया, अभी मुझे पिलो डाल ली है सो दैट की बैक पेन थोड़ा सा कम हो, स्मूथली ड्राई हो सके। लेट्स ऑर्डर सम टी, देखते हैं आंध्रा की चाय कैसी है। ऑनलाइन नहीं होता, फोन पे हिंदी आता आपको पूरा? ये 20 रुपए का चाय, दो बीस रुपए। के बारे में तो बताया, बट गाड़ी दिखाई नहीं थी। ये हमारे घर में देखेंगे, पूरी व्हाइट की रूफ मैंने उसमें ताली कराई हुई है, और अभी तक पूछो मैं इसके 90,000 की वजह से हिमाचल नंबर है। वैसे मैं देहरादून का हूँ, बट पास से पोंडा साहिब पहुंचा है तो वहाँ का नंबर है ये, तो वहाँ से मैंने खरीदी थी उस टाइम पे। और गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं बेसिकली, माइलेज अभी समवेयर अराउंड अगर मैं ठीक से चलाता हूँ तो 14-15 के आसपास दे देती है। बिफोर रफ ड्राइव करो तो समवेयर अराउंड वही 12-11-12 के आसपास का माइलेज दे रही है। और सबसे मस्त चीज ये दोस्तों कि रफ एंड टफ है, मैं इसको बर्फ में भी देखे जा चुका हूँ। एक बार ऐसा भी हुआ है कि बर्फ गाड़ी नीचे आ रही है और दे गाड़ी में, वहाँ भी परफॉर्मेंस लगे नहीं आई गाड़ी में। ये चीज तो है, महिंद्रा की गाड़ी है, रफ एंड टफ है, इंजन बिल्कुल सॉलिड है,
अभी जब फ्लड में पानी घुस गया था, जो मैंने आपके पहले बताया था गाड़ी के पास, उसके बाद भी गाड़ी में सर्विस कराई, अभी निकाली है, सर्विस भी नहीं कराई और लेके मैं इतना लंबा ड्राइव पे जा रहा हूँ, गाड़ी के लिए 10 out of 10। व्हीकल अगेन जीपीएस लगा लेते हैं, आई गेस 600 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। सो बेसिकली ये इशू हो रहा था, मुझे थोड़ा बैक में पेन हो तो मैंने पिलो लगा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। वैसे सीट्स कंफर्टेबल है महिंद्रा की, बट जब आप लंबा जर्नी करते हैं तो थोड़ा सा तो इधर उधर पेन होता है। और अभी हमको दिखा रहा है 10 घंटे और लगेंगे, 602 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखते हैं, वी विल ट्राई टू कवर इट इन 9 आवर्स और समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक डोर ओपन है शायद, मैं देखता हूँ कौन सा ओपन है, आई गेस ये वाला हो। नाउ वी आर रेडी टू गो। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जहाँ हम चाय पीने के रुके थे वहाँ से 150 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी थोड़ा ट्रैवल टाइम भी डिक्रीज हुआ है क्योंकि रोड अच्छी है, आपको देख रहा होगा हाईवे बड़ा मस्त है, ये इसमें गाड़ी भी सही चल रही है, 110-120 तक जा रही है। तो हमने पहले 6:50 दिखा रहा था टाइम, हम 6:20 दिखा रहा था, मतलब हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा कवर कर लिया है। देखते हैं आगे और कितना कवर होता है। रास्ते में एक चीज बड़ी अच्छी दिखी, यहाँ के टोल प्लाजा है, इधर के यहाँ के सारे टोल प्लाजा में जो बेसिकली आंध्रा के हैं, अभी आगे कोई मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, सब में यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छा किया स्पेस का। मतलब टोल के जस्ट ऊपर एक लॉन्च बनाया हुआ है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट है, बाकी और खाने पीने का है, बाहर चौपाटी टाइप से है। सो आई थिंक दिस आई हैव नॉट सीन इन नॉर्थ, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टोल प्लाजा। बंदा टोल में अगर कोई फंस भी गया, रुक भी गया तो एटलीस्ट ऊपर जा सकता है। That is one thing which is good about this toll plazas of Andhra Pradesh. बाकी अब ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया, रात का 10 बज गया है, ट्रैफिक कम हो गया तो एक और इजी हो गया ड्राइव करने के लिए। शहर तो सन्नाटा सा ही लग रहा है पूरा, और हम लोग पहुंचेंगे सुबह 6 बजे के आसपास, तो सुबह का सूरज बाइजेक में ही देखेंगे, ये हमने सोच तो लिया है, बस नींद ना आए रास्ते में कहीं। अगर नींद आएगी तो हमको फिर कहीं सोने के लिए कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिर कल का जो अगला ब्लॉग होगा वो हम वाईजेक से शूट करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। फाइनली हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और अब यहाँ से 350 किलोमीटर और है और हम विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। अभी रात को तो आपको सिटी थोड़ी दिखेगी नहीं, बस लाइट्स दिख सकती है, मैं आपको लेफ्ट राइट दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये एक रिवर है जो सिटी को दो भाग में बांटती है, और इस रिवर के साइड में एक पहाड़ में टेम्पल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे नाम नहीं पता उसका, बट मैं लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे आया था तो लोगों ने उसके बारे में बताया था, मैं जा नहीं पाया था। वो यहीं से है, ये राइट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो नीचे रास्ता जा रहा है वहां से जाके आगे कुछ ट्रॉली वगैरह भी है, उससे भी आप जा सकते हैं, अभी ट्रैक करके जाना होता है, पहाड़ के ऊपर है। सो वो एक टेम्पल है जो विजयवाड़ा में टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है बोल सकते हैं आप। और यहाँ से जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होनी थी पहले अमरावती, वो 40 किलोमीटर दूर है। सो विजयवाड़ा इज अ क्वाइट गुड सिटी हियर इन आंध्रा, में पहले भी आया हुआ हूँ, खाना वगैरह भी अच्छा है यहाँ का, वेल कनेक्टेड है बाकी सिटीज से भी। बट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आना चाहता है तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विजयवाड़ा आए खासकर, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे इस शहर में है नहीं। 2-3 यूनिवर्सिटीज है बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे, जैसे केएल यूनिवर्सिटी है, एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे कैंपस आना था जब कैपिटल डिक्लेयर हुई थी, तो वो सब स्टोरीज थी, बट वो सब तो अब स्टोरीज नहीं है, बिकॉज वो जहाँ पे उनको लैंड अलोकेशन हुआ था उसको फ्लड अफेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। सो यही है, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सिटी। गाड़ी ऑलरेडी अराउंड 600 किलोमीटर चल चुकी है, तो सिर्फ 3 पॉइंट बचा हुआ है, तो आई गेस डलवा लेना चाहिए आगे मिले ना मिले। तो अभी ऑलरेडी 285 किलोमीटर बचा हुआ है, सो
जिससे यहाँ डीजल का रेट क्या है ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। अन्ना आगे डीजल है, डीजल डीजल फुल है। गो एंड सर्च फॉर सम नॉर्थ इंडियन ढाबा या फिर कोई साउथ इंडियन ढाबा भी मिल जाए आप तो डोसा मिलेगा तो वो भी खा लेंगे, बिकॉज रात के 12 बज गए हैं और लास्ट हमने वेज बिरयानी खाई थी शाम को 6 बजे। 6 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होता है, सो लेट्स सी कभी बहुत सो। बट एक बात तो है कि रोड्स कहीं भी खराब नहीं मिली है, जहाँ भी हम अभी तक जितना भी ट्रैवल किए हैं रोड्स बहुत मस्त है, उसकी वजह से क्या बॉडी पेन नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर आप इंडिया में 900 किलोमीटर कंटिन्यूस गाड़ी चलाओ तो बॉडी पेन हो ही जाता है कैसे भी गाड़ी हो। ये दिख तो रहा है, देखते हैं चेक करते हैं क्या है। आई गेस नहीं है, ये भी सिर्फ यहाँ पे चाय पानी मिल रहा होता है। एक उम्मीद मिली थी कि यूपी बाहर बिहार ढाबा था यहाँ पे, लेकिन भाई साहब ने मना कर दिया, बोले कि भैया पार्सल लेंगे, पार्सल खा सकते हो तो ले जाओ वरना आगे 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ रोड के अपोजिट साइड में एक दो और है, तो हम एक काम करेंगे गाड़ी इस साइड पार्क करेंगे और उस साइड जाके कूद के देख के आएंगे, और होगा तो फिर उधर ही खा लेंगे। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, ये एक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे। और यूपी बिहार ढाबा है यहाँ पे, वहाँ चलते हैं चेक करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अब नहीं मिलेगा तो फिर पार्सल ही लिया जाएगा और क्या कह सकते हैं। चलो और चेक करते हैं। नहीं, खाने के लिए कल से स्टार्ट हुआ, होटल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। भूख लग रही है तो कुछ भी नहीं है, नहीं बचा है होटल अभी रेडी नहीं हुआ है, कल से चालू होगा। बाजू में आ रही कुछ आवाज है, पॉसिबल है 12 बजे के बाद आते हैं, बंद करने का है चपाती पराठा। क्या पत्ती का? चपाती, चपाती पराठा मिल जाएगा। सब्जी में? सब्जी में आलू है, शेरवा आलू और वेज शेरवा, वेज शेरवा, शेरवा की आलू की सब्जी जो हम खाने वाले हैं और साथ में ये पराठे। अगर आंध्रा आप आ रहे हैं तो ये याद रखो कि आपको रात को 12 बजे के बाद हाईवे पर कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो भी खाना है 12 बजे के पहले खा लो, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे, तो भैया लोग खिला रहे हैं वरना ये भी ना मिलता हमको। प्लीज कोई ये मत पूछना कि खाना कैसा था, क्योंकि भाई साहब लोगों ने सुबह का आलू और दोपहर की रोटी हमको खिलाई है। बट ये कि भूख लगी होती ना जब भाई लोग, तो कुछ भी अच्छा लगता है। 271 किलोमीटर और है, अब जाके सीधा वाइजेक में बहुत अच्छा सा खाना खाएंगे। अब गाड़ी सीधा वाइजेक में रुकेगी, विशाखापट्टनम में रुकेगी, सो लेट्स मूव। वादा किया था कि सुबह का सूरज वाइजेक में देखेंगे, तो हम बिफोर टाइम 2 घंटे पहले 4:50 वाइजेक आ चुके हैं एंड जस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। एंड आप लोगों को बता दूं, हम वाइजेक की जो सबसे प्यारी जगह बोली जाती है आरके बीच, सो आरके बीच के पास हमने होटल बुक किया है। बट थोड़ा सा उस पर एक लोचा है, लोचा ये है कि हमने जो होटल बुक किया था वो हमने सोचा था कि हम आज चेक इन करेंगे, मीन्स आज सुबह 10 बजे तक चेक इन करेंगे, उस हिसाब से हमने बुक किया था। बट अब हमको अर्ली चेक इन करना है, तो देखो अर्ली चेक इन देता है या नहीं देता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है क्या लेता है। रिव्यूज तो अच्छे आ रहे थे, एक बार मैं होटल पहुंच के आपको रूम का टूर भी दे दूंगा।
एंड यू कैन सी इन द मैप एज वेल वी आर जस्ट नियर बाय द सी सो सो बेसिकली दिस इज द बीच, ये वो आर के बीच का एरिया है और यहाँ पे हमारा होटल है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल है हमारा. वी आर अबाउट एंटर इन द होटल, बट ये है कहाँ पे, यहाँ पे दिस होटल इज लोकेटेड, इट शुड बी नियर बाय टू वो ट्रेन और समथिंग लाइक दिस. Just a second, I guess we need to look for it. थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ. होटल GPS की लोकेशन थोड़ी गलत थी, थोड़ा सा ये ऊपर है उससे, अराउंड 50 मीटर्स थोड़ा सा ऊपर है बाजू वाली गली में. तो बेसिकली GPS ने लोकेशन तो गलत बताई, बट हम पहुँच गए हैं. लेट्स गो एंड चेक. रातों को यहाँ फ़ोन भी नहीं उठाता यार, इसको हमने कितने बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है. अब जाके चेक करते हैं, चेक इन देता है या नहीं अर्ली, ये देने के लिए कुछ चार्ज करता है. चलो गाइस मैं जल्दी से चेक इन करके आपको फिर रूम का टूर देता हूँ. तो यहाँ पे मिल नहीं पाया है बिकॉज इनके सारे रूम्स पैक्ड हैं और वो बोल रहे हैं कि सुबह ही चेक इन देंगे, कोई एक रूम भी खाली होता तो वो दे देते, बट अभी कुछ भी खाली नहीं है. और ऑनलाइन देख रहे हैं तो आसपास कोई होटल अवेलेबल दिख नहीं रहा है यहाँ पे. सो नाउ स्ट्रगल टाइम स्टार्ट, देखते हैं आसपास कुछ खोजते हैं, कुछ मिलता है तो आपको भी अपडेट करते हैं. फिलहाल तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम सड़क पे हैं, हो सकता है गाड़ी पे ही सोना पड़े अगर ना मिले आसपास तो. पर होप सो कि हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स चेक द अदर प्लेसेस. सो फाइनली हमें आधे घंटे मशक्कत करने के बाद बीच रोड से आधे किलोमीटर दूर पे ये होटल मिला है, एलिगेंट होटल, जिसने 6 घंटे के लिए हमसे अभी 2500 रुपये चार्ज किया है और बोला है 12 बजे आपको चेकआउट कर देना है. हम 12 बजे यहाँ चेकआउट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट डे का बुकिंग है उस होटल में चले जाएंगे. चलते हैं चेक इन करते हैं, रूम का टूर लेते हैं फिर. हाँ जी, तो बेसिकली ये है हमारा रूम 2500 का. और भाई बड़ी थकान हो रही है 900 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद. सो वील जस्ट टेक रेस्ट नाउ एंड वील सी यू आफ्टर 6 आवर्स इन नेक्स्ट ब्लॉग. तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.